हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब न्यूज़ग्राम में विस्तार से राजनीति के अंगना में कंगना। दरअसल कंगना को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ घमासान अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इस पर खूब शोर है। करीब करीब हर बड़ी पार्टी के नेता इस लड़ाई में कूद चुके हैं। मुंबई से बाहर शिवसेना के तरीकों पर जमकर सवाल उठाया जा रहा है। उद्धव को भले ही कोई फिक्र ना हो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे लगता है उनको कि उनकी सियासी जमीन पर इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन कांग्रेस को तो बिहार में भी वोट चाहिए ना, हिमाचल प्रदेश में भी चाहिए। लिहाजा कांग्रेस अब तक इस मुद्दे से दूरी बनाकर रखे हुए है। आज हालांकि कंगना रनौत ने सीधे सोनिया गांधी से सवाल किया और कांग्रेस को भी इस विवाद में खींच लिया। कांग्रेस फिर भी बहुत फूक फूक कर अपना कदम बढ़ा रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ बीजेपी और आरपीआई जो हैं, वो खुलकर कंगना के समर्थन में उतर चुके हैं। कंगना वर्सेज शिवसेना की जंग अब पूरी तरह पॉलिटिकल रंग ले चुकी है। देश की राजनीति के अंगने में कंगना एक लड़ाके की तरह दिख रही है, जिसने सारी पार्टियों और सियासतदानों को इस लड़ाई में खींच लिया है। कंगना को लेकर देश की राजनीति दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी और आरपीआई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी। कंगना के लिए छिड़ी राजनीतिक जंग में डॉन की भी एंट्री होगी। कंगना का ऑफिस तोड़ने पर बीजेपी ने शिवसेना को ये खुली चुनौती दे दी। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। बीजेपी अब खुलकर कंगना के समर्थन में नजर आ रही है। देखिए, मेरा एक ही टेक है कि अगर बीएमसी ने ये एक्शन लिया है कंगना रनौत के ऑफिस पे, तो फिर बाकी जो सारी इलीगल प्रॉपर्टीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके अगेंस्ट भी सेम एक्शन होना चाहिए। आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते। मुंबई में बीजेपी जब खुलकर कंगना के साथ खड़ी दिख रही है, तो कंगना दिल्ली में बीजेपी के विरोधी कांग्रेस को निशाने पर लेने का काम कर रही है। ट्विटर पर कंगना ने सोनिया गांधी से कुछ तीखे सवाल किए। पूछा, आपकी सरकार का मेरे साथ बर्ताव क्या जायज था? सोनिया जी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपने संविधान के सिद्धांतों को कायम रखा? क्या आपने महाराष्ट्र की अपनी सरकार को कुछ कहा? ट्विटर पर सोनिया गांधी के खिलाफ लिखा गया कंगना का ये पूरा बयान सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार की ओर से मेरे साथ हुए व्यवहार के बाद एक महिला होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सिद्धांतों को कायम रखने के लिए अपनी सरकार को कहा? आप पश्चिमी दुनिया में पली बढ़ी और भारत में रही हैं। आप महिलाओं के संघर्ष को समझती होंगी। इतिहास आपकी खामोशी और उदासीनता का आकलन करेगी। जब आपकी सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, हाथ जोड़कर मैं आपसे मामले में दखल देने की उम्मीद करती हूँ। कांग्रेस की ओर से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो ने जरूर शिवसेना सरकार के बचाव में बयान दिया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं। जो कोई क्या रेसिडेंसी या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है। एनडीए के विरोधियों को निशाने पर लेने के चलते एनडीए के सहयोगियों का भी कंगना को पूरा साथ मिल रहा है। कल आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कंगना से मुलाकात की थी, तो आज अठावले कंगना के लिए राजभवन पहुंच गए। कंगना ने भले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उन्हें पता है कि बाला साहेब के लिए महाराष्ट्र और मुंबई करों के दिल में आज भी बड़ा सम्मान है। लिहाजा एक मजे हुए नेता की तरह वो बयान दे रही हैं। वो बाला साहेब ठाकरे को महान बता रही हैं। लेकिन शिवसेना भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही। अब सवाल ये है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो उनके खुल के बोलना चाहिए
कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो करके। बदलापुर की इस कहानी में पार्ट टू शुरू होने की भी तैयारी हो गई है। कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस अब ड्रग्स केस में जांच की तैयारी में है।